ओ गॉड, मेरे साथ हमेशा आखिरी मोमेंट पे भसड़ क्यों होती है पता नहीं। मजे आ रहे हैं, मजे। चलो जी, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू बैंकॉक। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सुबह के 6 बज रहे हैं। आई एम ऑल पैक्ड ऑलरेडी। एयरपोर्ट चलते हैं, लेट्स गो। सामने है ये मेरे सबवे स्टेशन। बड़ा ही कन्वीनियंट है यार, ये सामने है ना, बहुत कन्वीनियंट है। तो हम यहाँ पे हैं कोलंबो में और हमको जाना है यहाँ तक। यहाँ से हम ये चेंज करेंगे एंड चेंज करके वी आर गोइंग टू स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। ओके, एक अभी लाइन चेंज करनी है। भाई साहब, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लोग यहाँ पे पता नहीं ऐसे खा रहे हैं, कैफे में ऐसे बैठे हुए हैं। इंडिया में तो यार लोगों की 6:30 बजे ऐसे आंखें नहीं खुलती है। यहाँ पे लोग स्टारबक्स पे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, मतलब नूडल्स वूडल्स खा रहे हैं यार। आई एम लिटिल शॉक्ड। आई एम लाइक, अब ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक देखो आप। सुबह सुबह व्हाट, ये देखो क्रेजी। ओके जी, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पूरे 1 घंटे में हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। और रौनक तो देखो भाई साहब एयरपोर्ट की, आहा, मज़ा आ गया देख के, मतलब वाह क्या बात है। हमारी फ़्लाइट है 1.25 घंटे की, एक्चुअली नॉट 1.5 घंटा ऑल्सो, तो हमारे पास बहुत टाइम है। अभी 9:50 का फ़्लाइट का टाइमिंग है। हम देखते हैं, बैग ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम लाउंज में चिल करेंगे। दैट्स द प्लान, लेट मी फिगर इट आउट। Okay everybody, so everything is done. Check in हो गया, bag drop कर दिया है, security check very smooth, like कुछ भी नहीं check होता है, like very 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 smooth. आई एम कैरिंग माई लैपटॉप बैग ओनली, क्योंकि सारा दोनों बैग दे दिए मैंने। अच्छा है, झंझट ख़त्म। अब जाके आराम से लाउंज में कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई तो भूख लगी है अब। या लेट्स सी कहाँ पर है लाउंज। खाने में कुछ अच्छा खिला दो यार, पूरी सब्जी खिला दो यार कोई। सो गाइज, दिस इज द लाउंज। सुबह इतना कुछ खाने के लिए सामने देखो, पोटैटो वेजेस है, ब्रेड है, सैंडविच है, ब्राउनी है। इसका सैंडविच बना लेंगे अपन, बढ़िया सा मज़ेदार सैंडविच बन जाएगा। ये तो खा ही लेती हूँ, भूख लग रही है। अपने पास जूस है, फ्रूट्स भी है और क्रोसॉन और कॉफ़ी भी है, वो हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे, खा लेंगे अच्छे से दबा के खा लेते हैं आज, ताकि फिर एकदम मज़े आ जाए, मज़े। अभी देखो मैं बढ़िया सैंडविच बनाती हूँ।
लाउंज में अपना टाइम हो गया समाप्त, वापस चलते हैं। फ्लाइट का हो गया है टाइम। ओके एवरीबॉडी, सो फ्लाइट का टाइम हो गया है एंड बोर्डिंग में देख पा रही हूँ ये गेट है मेरा B1, स्टार्ट हो गई है बोर्डिंग। लेट्स गो टू चियांग राय। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड गाइज, मास्क के अंदर से एक्साइटमेंट निकली। यहाँ वहाँ पे मास्क की पॉलिसी बहुत ही ऐसे वो है, वो मतलब आप निकालते हो तो आपको तुरंत कोई ना कोई टोक देता है, तो इसलिए नहीं निकाल रहे। और वैसे सही भी है यार, और काफ़ी इंडियन दिख रहे हैं यार, काफ़ी इंडियन दिख रहा है। वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इस लोकेशन पे ज़्यादा जाते होंगे, बट दिख रहा है। लेट्स सी हमारी फ्लाइट में जा रहे हैं कहीं और। वैसे मोस्टली लोग तो फुकेट फुकेट फुकेट। मेरे साथ हमेशा आखिरी मोमेंट पे भसड़ क्यों होती है पता नहीं। ओके फिर भी वी मेड इट, लेट्स गो। मेरा बैग आया था बट वो घूम के फिर उस तरफ चला गया, अभी फिर से आ रहा है। या बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, टाइनी सा, प्यारा सा। अरे बहुत ही सुंदर है यार, ऊपर से नज़ारे भी इतने सुंदर दिखे। फ्लाइट वॉज सो गुड, स्मूथ, वेरी नाइस। 1:15 एग्जैक्ट डॉट 11:15 पे हम लैंड कर चुके थे। सो या ऑल्सो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है, डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है बहुत चीप है थाईलैंड में। ये मुझे कुछ 1700 रुपये की पड़ी थी, आप इमेजिन करो। मैं मतलब बाय रोड इतना नहीं, बाय रोड इससे ज़्यादा लग जाता जितना मुझे फ्लाइट में जितना कम लगा। सो या ये ग्रेट डील, मेरा बैग भी आ गया, फटाफट से बैग लेते हैं और फिर चलते हैं। वेलकम टू चियांग राय एवरीबॉडी। ओके तो मैंने यहाँ से टैक्सी ले ली है। वेयर इज टैक्सी? 150 भात लिए हैं इन्होंने। वैसे यहाँ से जो 110-120 बाद में मिल जाती है, पर ओके यू कम। सो या वो टैक्सी लेके आ रहे, तब तक हम वेट करते हैं। गर्मी तो है यार यहाँ पे, ह्यूमिडिटी हर जगह है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी। मुझे प्यास लग रही है और एयरपोर्ट में कहीं पर भी पानी नहीं दिखा मुझे। मेरे बॉटल ख़रीदने का ना मन नहीं करता है, हॉस्टल जाके पियेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। Know the location, right? Happy Nera. Yeah, happiness. Okay, everybody. So हमने टैक्सी ले ली है जिसने हमसे 150 बात ली है। अभी यहाँ से हॉस्टल ज़्यादा दूर नहीं है,
10-15 मिनट का ही रास्ता है. और जैसे कि मैंने सारे हॉस्टल्स अपने hostelworld.com से ही बुक किए थे, ये हैप्पीनेस इंस्पायरिंग हॉस्टल और समथिंग लाइक दैट मैं आपको चल के दिखाऊंगी. या अब ये मेरे 3 nights के लिए बुक किया हुआ है. नो नॉट 3 nights, 15, 16, 17, या 3 nights के लिए बुक किया है. एंड इसके बाद विल गो अहेड. अभी तो देख के बड़ा ही इसे सुंदर सुंदर सा लग रहा है, जैसे घाटियाँ दिख रही थी ऊपर से. या अभी चलते हैं, आज का दिन आधा ही हुआ है. अभी पहुँचेंगे, चेक इन करेंगे, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा चिल करके उसके बाद कहीं पर आसपास ऐसे ही घूमेंगे, थोड़ा देखेंगे जगह है कैसी, एक्चुअल में मुआवजा करेंगे इस प्लेस का. फॉर्चुनर दिख रही है यार यहाँ पे एक. तो हम पहुँच गए हमारे हॉस्टल. ये है हमारा हॉस्टल. ओके एवरीबॉडी, तो मेरे हॉस्टल में मैं आ गई हूँ एंड आई एम लकी अभी तक तो, क्योंकि इस डॉर्म में मेरे अलावा कोई भी नहीं है. मैंने फीमेल डोमेट्री बुक की थी और देयर इज़ नोबडी. आई एम द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू बी हियर. थोड़ा सा मैं ऐसे फट्टू तो हूँ, ऐसे डॉर्म वॉर्म में अकेले अजीब लगता है. रूम की बात अलग होती है, जब इतने सारे बेड होते तो थोड़ा अजीब लगता है. बट यस, दिस इज़ माई बेड. और यार 850 baht में 3 रात, मतलब बहुत ही सेक्सी हॉस्टल है. लाइक अभी तक का मेरा मतलब सबसे अच्छा हॉस्टल, लाइक लुकिंग वाइज, इसलिए एस्थेटिक और बहुत ही सुंदर है. मैं आराम से आपको पूरा दिखाती हूँ. अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है, बहुत ज़ोर से पानी प्यास लगी, पानी पीती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर आपसे वार्तालाप करेंगे. ओके जी, तो काम वाम करके एवरीथिंग इज़ डन नाउ. नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे. मैंने डिनर भी नहीं किया, वो मैगी खाई, उसके बाद थोड़ा ऐसा चुटर पुटर खा लिया मैंने, कुछ कुछ घर से खाखरा वाखरा जो लेकर आई थी. अभी मैं जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि आज सुबह मैं 5 बजे से उठी थी. कल रात को जाना है, सुबह फ्लाइट कैच करनी, इस चक्कर में मैंने अच्छे से मैं सोई भी नहीं. तो और मेरे इस डॉर्म में लकीली कोई भी नहीं है, मैं आई एम द वन ओनली वन. तो दिस इज़ द होल रूम फॉर माई सेल्फ. या डॉम का पे करके पूरा रूम आपका हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, राइट? सो आई एम गोना स्लीप नाउ, विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. मैंने रेंट के लिए बोल दिया है बाइक, और यहाँ पे बहुत ही सस्ता है, 250 baht पे मुझे रेंट में बाइक मिल रही है फॉर अ डे, विच इज़ सस्ता. सुबह आएंगे तो उनसे और थोड़ा सा नेगोशिएट करने की कोशिश करूँगी. सो या सुबह मिलते हैं आपसे. गुड नाइट.